ज़्यादा गतिरोध कायम है और सदन चल नहीं रहा है, ऐसे में क्या कोई मिडिल ग्राउंड है जिसको? देखिए, हम क्या कर सकते हैं, सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं, बिजनेस करना सरकार की फर्ज बनते हैं। हम तो यहाँ आते हैं सरकार के कहने के मुताबिक योगदान करने के लिए, कितना दिन तक सदन चलेगी, कौन सा बिजनेस लाया जाएगा, ये सरकार तय करते हैं। हम गतिरोध करने के लिए नहीं आए बिल्कुल। हमारा तो मांग ये है कि हमारे 14 MPs को आप निलंबित कर दिए हैं तो वो बाहर रहेंगे, हम कैसे अंदर जा सकते? और वो भी वो उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे पे सारे देश में या नहीं सारे दुनिया में ये मुद्दे को लेकर बड़े गंभीर रूप से चर्चा हो रहे हैं। तो ये मसला जो है, अब गृह मंत्री सदन में आके एक छोटी सी बयान दे और कहे कि हाँ हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, सुरक्षा देने की सारे व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे, यही तो हमारा मांग है। एलके आडवाणी जी भी उस समय 2001 साल में सदन के अंदर बारीकी से सारे बयान पेश किए थे। ये हर्जा क्या है, आप बाहर जाके टीवी में बोल सकते हैं, अंदर में बोलने में क्या फर्क पड़ता है? स्पीकर ने तो लेटर लिख के इंश्योर किया, बाहर जाके आप टीवी में बोल सकते हैं, अंदर आके क्यों नहीं, इसमें फर्क क्या है? दूसरी बात, स्पीकर जरूर स्पीकर के दायरे में कितना होते हैं हम जानते हैं, स्पीकर के दायरे के बाहर भी कुछ है। उस समय स्पीकर थे, एलके आडवाणी क्या गलत किए थे? उस समय तो स्पीकर थे, उस समय भी सदन थे, तो उस समय एलके आडवाणी का क्यों सदन में आके बयान देने पर यार बारीकी से, तो उस समय एलके आडवाणी के गलत किए थे ये लोग बताइए। और हमारे सारे जो निलंबित सारे सदस्य हैं उनको बहाल करें, ये तो हमारा मांग है। हमारे पार्टी के इतने MPs बाहर है, हम कैसे अंदर जा सकते? और वो भी इस मांग के उठाते हुए उनको निलंबित किए, महत्वपूर्ण बिल ये हमें तो इसलिए सरकार से और स्पीकर साहब से सरकार सबको गुजारिश कर रहे हैं, अब इस पर दोबारा सोचे और हमें सदन में सही ढंग से योगदान करने के हमें भी मौका दिया करो। लेकिन हमारा विपक्ष की छोटे मोटे दो चार मसला है, वो भी तो हमारे सरकार को उचित इसको पालन करना। PM बाहर बोलते हैं, HM बाहर बोलते हैं, तो अंदर ये पार्लियामेंट चलाने के क्या मजा क्या है, पार्लियामेंट चलाने का और मकसद क्या बची है? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।